गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। जय श्री राम। और आज के इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं करने वाला, बट ये बताऊंगा मोनेटाइज होने के बाद हम अपने अकाउंट को कैसे कैसे ऐड करते हैं। मुझे भी नहीं आता, सिखाते सिखाते ही आप लोगों को बताऊंगा। तो इसी ब्लॉग में ऐसे ही बने रहे एंड सीधा हम आप लोगों को सिस्टम पर मिलते हैं। चलो भैया, अब करते हैं यहाँ से शुरुआत। और ये विंडो खुलने के बाद आप लोगों को क्या करना है, गूगल क्रोम खोलना है। यहाँ पे गूगल क्रोम पे जाने का आप खोलेंगे तो मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है। फिर गूगल खोलने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे डालना है YT स्टूडियो। ठीक है, YT स्टूडियो खोलने के बाद आप लोगों का आएगा लॉगिन करने के लिए। अगर ऑलरेडी लॉगिन होगा तो खुल जाएगा डायरेक्ट, अगर नहीं है तो फिर लॉगिन करने के लिए आएगा। जैसे यहाँ पर 2 ID मेंशन हो रखी है तो हम अपने वाली खोलेंगे। तो अब यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड हम डाल लेते हैं। हमने पासवर्ड डाल दिया, अब यहाँ पे ये लॉगिन होगा। कुछ टाइम लग रहा है तो थोड़ा वेट करते हैं। ये हमारा पेज खुल के आ गया। और लास्ट वाली वीडियो ने हमारा इतना कोई ख़ास रेस्पॉन्स किया नहीं था, बट उस चीज़ को इग्नोर करते हुए हम करते हैं हमारा जो काम है मेन आज वो करते हैं। और इसमें हम जाएंगे, सबसे पहले ये पेज खुलने के बाद आप लोगों को क्या करना, योर चैनल के नीचे ही आपको एनालिस्ट लिखा आएगा, यहाँ पर आएगा डैशबोर्ड लिखा है, कंटेंट लिखा आएगा। इसी लाइन में आपको नीचे की तरफ चलना है, तो यहाँ पे अर्न लिखा हुआ आएगा। जब डॉलर का सिंबल आ जाएगा और अर्न लिखा हुआ जाएगा तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका ऐसे कुछ पेज खुल के आएगा। ठीक है, ये कुछ पेज खुल के आया। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है गेटिंग पेड एक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, वाट यू नीड टू डू, कन्फर्म योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट इन एडसेंस। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और ये खुल जाएगा। नेक्स्ट हमारा पेज खुला है यहाँ पे। अब YT स्टूडियो की जगह दूसरा पेज खुल गया है ऑटोमेटिकली उस पर क्लिक करने के बाद। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे राइट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में दिख रहा है, यहाँ पे एडसेंस लिखा हुआ है ना। हम नीचे एक लिखा हुआ है ब्रांड सेफ्टी, एक आ रहा है पेमेंट्स। पेमेंट्स पर क्लिक करने के बाद वेरीफिकेशन चेक पर क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ क्लिक करने के बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे टेक एक्शन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लिखा आया आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे हम टेक एक्शन पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद पेटीएम इन्फो पे ऑटोमेटिकली चला गया। और यहाँ पे जाने के बाद वेरीफाई ना कर सकते आप, मतलब डायरेक्ट भी यहाँ पे से कर सकते हो, पेमेंट्स इन्फो पे जाके डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम वेरीफाई ना करेंगे, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अभी हमारा कुछ खुलने वाला है पेज, यहाँ तक मेरे को पता है। अब इसमें NID टू वेरीफाई दैट्स इट्स रियली यू, तो हमें अपना ID प्रूफ देना जिससे इसे पता लग जाए कि हाँ हम ये। तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं स्टार्ट। पॉलिटिकल लीगल नेम डालना, तो सबसे पहले हम लीगल नेम डालेंगे हमारा जो इसमें लीगल नेम है डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, लीगल नेम डाल दिया हमने। सेलेक्ट टाइप ID टाइप, तो सेलेक्ट ID टाइप डालेंगे हम। हम यहाँ डाल देते हैं अपना पासपोर्ट, तो हमारे पास अभी है नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, तो हम डाल देते हैं पैन कार्ड नंबर। ठीक है, जब हम पैन कार्ड इसमें अप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद लिखा आया फ्रंट ऑफ ID और बैक ऑफ ID, तो इसमें हमें फ्रंट की साइड से फ़ोटो अपलोड करना है, फिर बैक साइड से अपलोड करना है, तो वो हम दोनों को यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। और यहाँ पे हम पहले अपलोड कर देते हैं। ठीक है, फ्रंट वाला अपलोड कर देते हैं, बैक वाला फिर नेक्स्ट करेंगे। तो फ़ोटो ढूंढ लेते हैं हम कहाँ पड़े हमारे नेक्स्ट शॉप में। तो ये हमने अभी पैन कार्ड की फ्रंट कॉपी अपलोड कर दी, और पैन कार्ड में बैक साइड में कुछ नहीं होता इसलिए हमने उसे इग्नोर किया। सेकेंड, अब हम नेक्स्ट पे करते हैं बैक ID। ओके, ये पीछे से भी मांग रहा भाई, पीछे से भी कंपलसरी है इसमें अपलोड करना, तो हम पीछे वाला भी अपलोड करेंगे अब इसमें। फाइनली भाई दोनों फोटो अपलोड हो गए, और अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे भाई हमें क्या क्या चीज़ें डालनी है, हमें एड्रेस डालना है, मेरा एड्रेस पूरा रहा है चारों से, क्या ये ऑलरेडी इसमें सेट है, तो अब हम इसमें नेक्स्ट कर देंगे। एड्रेस डालने के बाद, नेक्स्ट करने के बाद हम हमारे पास क्या आता है देखते हैं, लेट्स सी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता यार, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देखते कितना समय लेता है। चलो
चलो, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, थैंक यू फॉर सबमिटेड योर इन्फॉर्मेशन, यू विल वेरिफिकेशन वाज सक्सेसफुल, चेक योर मेल फॉर मोर डिटेल्स। ओके, गॉट इट। अब मेरे को मेल देखनी है, मेल के थ्रू ही मेरे को कुछ करेंगे एडवर्ड, ठीक है। मंथ में हम जब भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जब ये $100 हो जाएगा, ठीक है। यू हैव रिसीव्ड 0% ऑफ योर पेमेंट, ठीक है। अभी जैसे ही हमारे यहाँ $100 हो जाएगा तो ये हमें बता देगा। और अभी देख हमारे पास कोई पेमेंट भी है, ये ऐसा ही बोल रहा है, बट ऐप में कुछ पेमेंट शो कर रही है, ठीक है। तो यही था भाई, अपना अकाउंट ऐड करने के लिए, चीज़ें वेरीफाई कराने के लिए, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। और इसके बाद अकाउंट के लिए क्या डिटेल्स मांग करनी है। तो गाइज़, यही था आज के ब्लॉग में जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि क्या क्या चीज़ें अभी ऐड करनी है। इसके बाद अभी अकाउंट भी ऐड होगा, बहुत सारी चीज़ें होनी है, बट आज के ब्लॉग में इतना ही, क्योंकि इसके बाद का प्रोसीजर अभी थोड़ा रुक के होगा, क्योंकि मेरे पास आएगा एक पोस्ट आएगी जिसमें एक कोड होगा जो मेरे को फिर इसके अंदर अप्लाई करना होगा, फिर उसके बाद आगे की मेरी इसमें वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा जिसमें मेरे को अकाउंट की डिटेल्स डालनी है। ये सब चीज़ें एक मेरा भाई है जानकारी में, यूट्यूबर ही है, तो उसने मेरे को से बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, तो मैंने कहा ठीक है इसे कंप्लीट कर लेता हूँ और मैं ये चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत से लोगों के सवाल रहता होगा कि भाई आगे मोनेटाइज होने के बाद क्या करना, तो ये पहला स्टेप होता है मोनेटाइज होने के बाद का। और आज के ब्लॉग को करते हैं पहले लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय जय भारत, जय माता दी, जय श्री राम।